हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जिन्हें, और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 121-122 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 123 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर हैरान हो गया और बोला, वाइफी अभी तो इसमें टाइम था ना। कबीर श्रेया की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था, इसलिए उसे अच्छे से याद था कि श्रेया के पीरियड में भी थोड़ा टाइम था। फिर वो श्रेया की चिंता करते हुए बोला, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हमें एक बार हॉस्पिटल चलना चाहिए। ये सुनकर श्रेया के गाल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गए। मतलब कबीर को उसके पीरियड में भी के डेट भी याद थे, मतलब ये कोई याद रखने की चीज़ थी। पर उसने अभी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे सबसे पहले कबीर को रोकना था। सच कहा था किसी ने ज़्यादा प्यार करने वाला पति भी बहुत बड़ा मुसीबत होता है, और श्रेया के साथ अभी यही हो रहा था। उसको आज जितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शायद आज से पहले इतनी नहीं हुई होगी। श्रेया को ऐसे माहौल में पड़ी बड़ी थी, जहाँ पीरियड के बारे में ऐसे खुले आम बात नहीं करते थे, और जो उसके बारे में बात करते थे उसे अजीब नज़रों से देखा जाता। जब उसे पीरियड आते थे तो उसकी मम्मी उसे एक रूम में बंद कर देती थी, और जब तक उसके पीरियड चले नहीं जाते थे तब तक ना कोई उससे मिल सकता था और ना वो किसी से। यहाँ तक कि उसके रूम में किसी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं थी, और उसे ज़मीन पर सोना होता था, और खाना भी एकदम बिना तेल मसाले वाला दिया जाता था। उसके साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे वो कोई तुच्छ प्राणी है, जिसे देखने और छूने से वो लोग गंदे हो जाएंगे। श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उस टाइम खूब रोती थी, पर उस समय उसके पास कोई नहीं था कि जो उसे आंसू पोंछ सके। वैसे भी पीरियड के टाइम में आपको बहुत दर्द होता था, और उस समय आपको किसी के प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, पर उस टाइम उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पर अब उसके साथ कबीर था, जो इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता था, और जब भी श्रेया के पीरियड आते थे तो उसकी बहुत केयर करता था। वैसे तो कबीर उसका कम ध्यान नहीं रखता था, पर इस टाइम वो एक सेकेंड के लिए भी श्रेया को अपने से दूर नहीं कर सकता। वो कभी भी श्रेया को तकलीफ़ नहीं दे सकता। श्रेया फिर कबीर को रोकते हुए बोली, अब भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। श्रेया को ये बोलने में बहुत शर्म आ रही थी, पर वो अगर नहीं बोलती तो कबीर फिर से उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता, और कुछ भी हो जाए वो कबीर के सामने तो फिर भी ये बोल पा रही थी, पर किसी और के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर कबीर फिर कुछ नहीं बोला और आगे और बड़े ध्यान से श्रेया के बेड पर लिटा दिया, और खुद भी उसके बाजू में बैठ गया, और श्रेया के टॉप को थोड़ा ऊपर करके हल्के हाथ से पेट पर मसाज करने लगा। ये देख के श्रेया ने कुछ नहीं कहा, और कभी जो कर रहा था उसे करने दिया। उसे पता था कभी को कुछ बोलना ही कोई फ़ायदा नहीं है, और शायद उसके बोलने से बात बिगड़ जाए। कभी फिर उसे हॉस्पिटल जाने की जिद करने लगे तो नहीं, इसलिए श्रेया ने कुछ नहीं कहा, बस कबीर जो कर रहा था उसे ध्यान से देख रही थी। कबीर को खुद इतनी केयर करता देख श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कबीर ने जितनी केयर की थी उसका 1% भी प्यार उसके पेरेंट्स ने नहीं किया था। पता नहीं अगर कबीर उसकी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो उसके साथ होता क्या, तो वो अब इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। कभी उसकी ज़िंदगी में था, जीने की वजह था, और वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर कभी इसे दूर होना बिल्कुल भी नहीं। वहीं कभी बहुत अच्छे से मसाज कर रहा था, जिससे श्रेया को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी दरवाज़े पर नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सबसे पहले कभी ने श्रेया के कपड़ों को ठीक किया और फिर उसे अंदर आने को बोला। तभी एक नौकर सूप लेकर अंदर आया और फिर टेबल पर रख के वहाँ से चला गया। फिर कबीर ने श्रेया को सूप पिलाया। श्रेया ने भी बिना कुछ बोले कबीर के हाथ से सूप पीने लगी, कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो उसे भूख भी लग रही थी। सूप पीने के बाद कबीर
प्यार से शिरा के बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी अब कैसा लग रहा है? ये सुनकर शिरा बोली, हब्बी अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये सुनकर कबीर बोला, वाइफी अगर तुम्हें पेन हो रहा हो तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तुम अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बरतती हो। ये सब कबीर ने थोड़ा सख्ती से बोला था। वहीं कबीर की इतनी सख्त आवाज़ सुनकर शिरा ने कबीर की तरफ देखा, फिर अपना सर झुका कर बोली, वो मुझे लगा कहीं मेरे इस तरह मेरे कॉल करने से आप नाराज़ न हो जाएं। शिरा की बात सुन के कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया था कि इसमें उसकी की गलती थी, जो वो अपने गुस्से पे इतना अंधा हो गया था कि उसने शिरा पे इतना गुस्सा कर दिया कि अब शिरा उससे इतना डर गई कि शिरा को उससे कॉल करने से पहले भी दो बार सोचना पड़ रहा था। वहीं कबीर कुछ ना बोलते देख शिरा घबरा गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया और कबीर उससे फिर गुस्सा हो गया है। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कबीर की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हबी क्या मुझसे गुस्सा हो? और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 123 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 123 कंप्लीट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो किस्मत में आया हो आपको पर लगा हो तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।